नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूं कि अगर घर का कोई ऐसा बच्चा है, आपका बच्चा है या फिर कोई रिश्तेदार है, जो भी है, जो हमेशा किसी न किसी वजह से बीमार रहता है, अगर एक बीमारी सही हो रही है तो दूसरी बीमारी पकड़ ले रही है, यानी किसी न किसी वजह से डॉक्टर के चक्कर लगते ही रहते हैं। कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आए दिन बीमार पड़ते हैं, और किसी भी माँ बाप को ये पसंद नहीं कि उनका बच्चा बीमार हो या फिर डॉक्टरों के चक्कर लगें। बहुत सारा पैसा भी जाता है डॉक्टरों में, साथ ही साथ बच्चे की सेहत भी ख़राब होती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि जिससे आपका बच्चा ठीक हो सकता है। बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको क्या करना है, आपको मंगलवार वाले दिन आपको सुनार के यहाँ जाना है। सुनार के यहाँ जाके आपको जो भी बच्चा है आपका, उसके हाथ का, दाएं हाथ का आपको अष्ट धातु का कड़ा बनने के लिए ऑर्डर देके आना है। किस दिन? मंगलवार वाले दिन। मंगलवार वाले दिन आपको सुनार को जाके ऑर्डर देना है कड़ा बनने का अष्ट धातु का। लाना किस दिन है? लाना आपको शनिवार वाले दिन है, यानी सैटरडे। मंगलवार को आपको देना है और सैटरडे यानी शनिवार को आपको वो कड़ा लेकर आना है घर पर। उसके बाद उस कड़े को आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी के सामने जो राम दरबार है, वहाँ पे आपको रखना है। उस कड़े को पहले आपको गंगा जल से अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपको धूप दीप कड़े को दिखानी है, साथ ही उस पे जो हनुमान जी का सिंदूर होता है उससे टीका करना है, और वहीं बैठ के आपको हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करना है। साथ ही आप ओम हनु हनुमन्ते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। सारी पूजा करने के बाद अब जो भी बच्चा है उसके दाएं हाथ में उस कड़े को शनिवार वाले दिन आप पहना देंगे। आप खुद देखेंगे चमत्कार कि आपका बच्चा ठीक होने लगेगा। जो बीमार अस्वस्थ रहता था वो स्वस्थ रहने लगेगा। तो जो मैंने उपाय बताया है आपको, मंगलवार वाले दिन उपाय कड़े का ऑर्डर देना है, शनिवार वाले दिन कड़े को लाके पूजा करके अपने बच्चे को पहनाना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता।